हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बादल। मैं तो आज मैं आप लोग के लिए न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, थंबनेल पर आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम कीर्तन भजन में ढोलक बजाना सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, बोल रहे थे कि हमें भागवत में बजाना सिखाइए, सुंदर कांड, भजन कीर्तन, ये सारी चीज़ों में ढोलक कैसे बजाई जाती है ये हमें सिखाइए। तो दोस्तों, आज इस लेसन का पहला वीडियो है और इसके बाद 4-5 वीडियोज और आएंगी जो मैं केवल कीर्तन भजन में बजने वाली सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम लोग मीडियम स्पीड का सारा चीज़ हम कवर करेंगे, उसके बाद फास्ट वाला, फिर उसके बाद स्लो वाला हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मीडियम में जो भी चीज़ें सबसे बढ़िया बढ़िया चीज़ें बजती हैं वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोग को देने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा अब जैसे कीर्तन भजन में बजाया जाता है तो देखिए क्या क्या चीज़ें बजाई जाती हैं। सारी चीजें ढोलक पे मैं आज आप लोग को सिखाने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि मेरे सामने आप लोग को बहुत ही सुंदर सुंदर क्वालिटी की ढोलक दिखाई दे रही होगी। ये देख लीजिए, प्योर ब्लैक में ये ढोलक हमने रेडी करवाई है। तो अगर इस प्रकार की आप लोग को ढोलके चाहिए तो मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। केवल आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज कीजिएगा और कॉल ना कीजिएगा, केवल ये नंबर मेरा व्हाट्सएप के लिए है। अगर कॉल पे बात करना है मेरे से तो मैं वहीं पे आप लोग को अपना कॉलिंग नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, लेसन पे बढ़ते हैं अब हम अपने। अब आप लोग को करना क्या है ये सब ठेके बजाने के लिए, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बजाया, अब ये फास्ट बजेगा तो कैसे सुनाई देगा। अब ये बजाना कैसे, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही जल्दी मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। ज्यादा कोई इतना हार्ड पैटर्न है नहीं। देखिए, सबसे पहले इधर वाला हाथ जो हमारा चाटी वाला हैंड है, यहाँ पे चलता है कैसे ये मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। बहुत ही ज्यादा इजी है। चाटी साइड पे आप लोग को पहले हैंड की पोजीशनिंग क्या रखनी है, हाथ को ऐसे रखना है, ठीक है। फिंगर को थोड़ा खोलना है दोनों तरफ से, जैसे हमने हाथ बीच में था, थोड़ा सा फिंगर अप किया और थोड़ा सा नीचे वाले फिंगर को भी खोल दिया। आपकी पोजीशनिंग बहुत बढ़िया हो चुकी है, आप लोग को सब ऐसे ही बजाना है, ठीक है। अब उंगली चली क्या उस ठेके के अंदर में, बहुत ईजी है। फर्स्ट फिंगर को हमने थोड़ा आगे ले गए, एक, फिर थ्री फिंगर को हमने मारा, दो, ठीक है, फिर उसके बाद तीन, फिर उसके बाद चार। मात्र ये चार गिनती आप लोग की बजानी है। यहाँ पे देखिए, एक, दो, तीन, चार, इधर साइड ये बजाऊंगा मैं। ये सिखाने के बाद मैं ये वाला पार्ट भी सिखाऊंगा आप लोग को। देखिए, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, एक, दो, ये बहुत हल्का होना चाहिए आप लोग का। जैसे बहुत लोग ना ऐसे पीटते हैं, पीटना नहीं है, बिल्कुल हाथ खराब हो जाएगा, जो आपको आता है ना वो भी खराब हो जाना है, बिल्कुल स्लो। एक, दो, तीन, चार, 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 ये रियाज करना है। मेरी बात अगर आप लोग माने तो प्लीज ठेका सीखने से पहले केवल इसी चीज का आधे घंटे तक पहले आप रियाज कीजिए, वीडियो को देख देख के, सुन सुन के, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। अब जब आप ठेका सीखेंगे तो बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। अब देखिए, जब हम ये बेस जोड़ेंगे ना तो कुछ बोल बन के निकलता है, ठीक है। गिनती से भी सिखाऊंगा और बोल से भी सिखाऊंगा। फर्स्ट क्या बजाए, देखिए आप लोग को पहले बोल बजाना है, धी ट धाना, फिर ती ट धाना, ये बोल है आपका, धी ट धाना, ती ट धाना, धी ट धाना, ती ट धाना, धी ट धाना। देखिए बेस का हाथ कैसे चल रहा है, धी ट धाना, ती ट धाना। अब इसको बजाएंगे कैसे, बहुत ही इजी है। फर्स्ट फिंगर को म्यूट करेंगे, ऐसा दबाएंगे और एंड बेस को बजाएंगे तो बोल बनेगा धी, धी आपका वन बन जाएगा, ठीक है। एक दो तीन चार सभी सिखाऊंगा, वन मतलब धी, देन ट बाय थ्री फिंगर, ठीक है, मतलब दो, फिर धा, फर्स्ट फिंगर एंड बेस मारना है, धा मतलब तीन, फिर ना मतलब चार, ठीक है। गिनती वालों का भी हो रहा है, देखिए धी ट धा ना, फर्स्ट लाइन क्लियर है, ये पहली लाइन है आपकी, फिर ठीक, फिर चार मात्रा का और बोल है, टी ट, फिर धा ना। एक बार और समझाता हूं, देखिए धी फर्स्ट फिंगर और बेस मारना है, धी ट, फिर उसके बाद धा किनारे पे मारना है, इधर बेस भी मारना है, धा ना, फर्स्ट लाइन क्लियर। अब दूसरी लाइन, टी ट, फिर धा, फिर
ये बोले इतना सा, इसको बजाएंगे घीट दाना टीट दाना 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 घीट दाना टीट दाना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बजाना है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके साथ आप कोई भी उठान जोड़ सकते हैं, बहुत प्रकार के उठान है। देखिए पहले आप देखिए, लेकिन इससे भी बढ़िया और सबसे जबरदस्त उठान मैं बताने वाला हूं। देखिए मजे में कैसे, देखिए फिर से देखिए, क्या बोल है, बजाना कैसे, बहुत इजी है। टी बाय फर्स्ट फिंगर एंड स्लैप सेंटर में मारना है, नहीं नहीं टी में स्लैप नहीं मारना, टी देन उसके बाद ट, फिर उसके बाद ता है, ता में फर्स्ट फिंगर एंड स्लैप ता, फिर उसके बाद ना। ओके, फिर से देखेंगे टी ता ता, दोनों ता के साथ भी आप स्लैप लग सकते हैं, टी ट ताना टी ट ताना टू टाइम्स। ठीक है, टी ट ताना टी ट ताना, फिर उसके बाद ता गे ओपन बेस, ता गे ती रा कीट, फिर उसके बाद तक तक ती रा कीट, इतना ही है। देखिए टीट ताना टीट ताना, फिर तागे ती रा कीट, तक तक ती रा कीट, ये बोल है। एक बार बेस साइड से भी हैंड देखिएगा आप लोग, टीट ताना, ठीक है देखिए टीट ताना टीट ताना, आप ता पे भी और ना पे भी स्लैप लगा सकते, मर्जी है आपकी। ठीक है, टीट ताना, ठीक है, या फिर टीट ताना। ठीक है, फिर उसके बाद तागे तीर किट तक तक तीर किट, दोनों हाथों को मैं साथ में बजा के दिखाता हूँ आप लोग को, टीट ताना टीट ताना आगे तीड़ा 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 तीड़ा। ठीक है, इस प्रकार से बजाई जाएगी, टिटे ताना टिटे ताना ताके तीड़ा तीड़ा तीड़ा। फिर से देखो टिटे ताना टिटे ताना ताके तीड़ा तीड़ा तीड़ा। इस प्रकार से ये उठान भी बजाया जाएगा, उतना ज्यादा हार्ड उठान नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों बहुत ही सुंदर सा एक ठेका बजाना है, जो कि थपकी वाला ठेका था, कैसे हमने सिखाया था देखिए, बहुत इजी पैटर्न। इससे दमदार ठेका कोई दूसरा हो नहीं सकता है, और भी ठेके हैं लेकिन इसको पहले सीखा कीजिए। मैंने भी जब स्टार्टिंग किया था तो हमारे जो गुरु लोग होते थे इसी चीज को ज्यादा बजाते थे और मजा मुझे खुद आता था सुनने में इसको ज्यादा, तो इस वजह से मैं भी आप लोग को ये सिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए कैसे बजेगा, बहुत ही इजी है। देखिए कैसे बजाना है, फर्स्ट फिंगर पे एंड बेस बजाएंगे तो धा, ठीक है धा, फिर उसके बाद ती, ती पे थपकी मारना है ती, फिर उसके बाद त, फर्स्ट फिंगर एंड स्लैप। ठीक है, देखिए धा ती, फिर उसके बाद त, फिर उसके बाद न, फिर उसके बाद ग बाय फर्स्ट फिंगर ग, फिर उसके बाद धी थपकी और बेस धी, फिर उसके बाद न। ठीक है, फिर से स्टार्ट करेंगे धा ती त, फिर उसके बाद न ग धी न। ठीक है, एक बार और बजाएंगे धा, फर्स्ट फिंगर एंड बेस धा, फिर ती थपकी, फिर त, फिर न, फिर ग, फिर उसके बाद धी, फिर उसके बाद न। इजी है, एक बार और बजाएंगे, देखिए मेरे साथ साथ रिवीजन कीजिए, धा फर्स्ट फिंगर एंड बेस धा ती त, फिर न ग, फिर धी थपकी और बेस एक साथ धी, फिर न। अब इसको स्लो टू फास्ट करें, देखिए धा ती त न ग धी न, 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 धा। ठीक है,
ठेका था। अब क्या होता है, कीर्तन भजन बजता है तो फिर एक एंडिंग फिलर भी बजाना पड़ता है, जैसे कि ठीक है देखिए, क्या बोल है, तिट तन ताना तिट धा तिट धा तिट धा ताना तिट धा तिट धा तिट धा, ये बोल है ठीक है। इसको कैसे लगाना, देखिए धिट धाना धिट धाना धिट धाना धिट धाना धिट धाना धाना धिट धा धिट धा धिट धा, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन इजी है, देखिए धिट धाना धिट धाना धिट धाना, ठीक है, ताना धिट धा धिट धा धिट धा, ऐसे देखिए ता ना ती ट। एक जरूरी बात, ठेके को जब आप आधा कंप्लीट, जैसे धिट धाना ना के बाद आपको ताना तेटे धा तेटे धा तेटे धा, पूरा कंप्लीट ठेका नहीं बजाना नहीं तो फंस जाएंगे, ठीक है। देखिए ता ना, ता के साथ स्लैप लगेगा ओनली, ता ना ती ट, फिर धा ती ट धा ती ट धा, दैट्स इट, ता ना ती ट धा ती ट धा ती ट धा, काम खत्म। देखिए ता ना ती ट ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, कीर्तन भजन में इस प्रकार की चीजें बजाई जाती हैं। और दूसरी चीज है, अगर आप अच्छी ढोलक बजाना चाहते हैं तो साज भी आप लोगों के पास अच्छा होना चाहिए। तो मेरे पास अच्छी अच्छी क्वालिटी की प्लेन में, नक्काशी में, डिफरेंट नक्काशी में, और जितनी शाइनिंग आपको चाहिए वैसे सारी चीजें मिल जाती हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप कॉल करके मैसेज कर सकते हैं।